गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, देखिए क्लास फर्स्ट चैप्टर नंबर 16 है हरी सब्जियां, यानी हरी सब्जियां हमें क्या देती हैं, पौष्टिकता देती हैं, जिससे कि हम क्या रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और मेरा जो शरीर है वो चुस्त दुरुस्त रहता है। देखिए दिया है इंट्रोडक्शन में, हरी सब्जियां पौष्टिक पदार्थों की खान होती हैं, इसलिए हमें स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त रहने के लिए सब्जियों का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। जया को हरी सब्जियां खाने का बहुत शौक था। जया, ये लेसन में जया नाम की कोई लड़की होगी या माँ होगी, देखिए अभी बच्ची है जया नाम की, जिसको कि हरी सब्जियां खाना बेहद पसंद था, शौक था। एक बार वह अपनी माँ के साथ सब्जी लेने बाजार गई। वह अपनी माँ के साथ कहाँ जाती है, सब्जी लेने जाती है बाजार में। तो बाजार में तरह तरह के फल और सब्जियां देखकर उसके चेहरे पर चमक आ गई। जब वो बाजार में अच्छी अच्छी सब्जियां देखती है, कई तरह की सब्जी और फल देखती है, तो उसके चेहरे पर चमक आ गई, यानी लाइट आ जाती है। माँ आलू प्याज खरीदने लगी, और उनकी जो जया की मम्मी थी वो क्या कर रही हैं, आलू और प्याज खरीद रही हैं। अब बाजार में जया व उसकी माँ का वार्तालाप पढ़िए। देखिए अभी तक तो ये उनको बता रहा, मतलब ये पहरे में बता रहा है कि जया को हरी सब्जियां बहुत पसंद है और वो अपनी माँ के साथ सब्जी लेने बाजार में जाती है, और बाजार में वो फल और सब्जियों को देख के उसके चेहरे पे जो है वो चमक बढ़ जाती है। और माँ जो है अब आलू प्याज खरीदने लगती हैं, तब जया और माँ की वार्तालाप होती है, बातचीत होता है। देखिए अब जया अपनी माँ से क्या कहती है। जया कह रही है, वाह माँ, आलू की चाट बनाओगी या फिर पकौड़े? वाह माँ, आलू की चाट बनाओगी या फिर पकौड़े? तो माँ बोलती है, देखिए इसकी तो सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है, प्याज और आलू के बिना तो चाट में स्वाद ही नहीं आता। अगर चाट भी बनाना पड़ेगा तो भी हमें क्या जरूरत होगी, आलू और प्याज की जरूरत होगी। तो माँ, माँ कहती है हाँ जया, पहले और चीज़ें तो ले ले, फिर सोचेंगे कि क्या बनाना है। माँ ठेले वाले से लाल लाल टमाटर, मिर्च, अदरक व नींबू खरीदने लगी। देखिए अभी तो माँ वहाँ कहती है कि इसकी सब्जी ही नहीं, सब्जी बहुत अच्छी लगती है और बिना आलू प्याज के तो चाट में स्वाद ही नहीं आता। फिर कहती है कि हाँ जया, पहले और चीज़ें ले लेने दो, फिर सोचेंगे घर पे चल के कि क्या बनाना है। तो माँ फिर जाती है ठेले वाले से टमाटर और लाल लाल टमाटर, मिर्च, अदरक, नींबू ले खरीदने लगती हैं। फिर जया कहती है, अरे माँ, सब्जियों के राजा को लेना तो तुम भूल ही गई। तो माँ कहती है, अच्छा याद दिलाया भैया, आधा किलो बैंगन भी डाल दो। तो उसकी माँ कहती है अपनी बेटी से कि हाँ अच्छा याद दिलाया। तब वो ठेले वाले से कहती है, भैया आधा किलो बैंगन भी डाल दो। फिर जया बोलती है, माँ बैंगन से क्या क्या बनता है? तो माँ देखिए बता रही है, बैंगन का भरता, आलू के साथ सब्जी व पकौड़ी, बैंगन में मसाला करके भी भर के भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो माँ देखिए बैंगन के बारे में बता रही है कि बैंगन का चोखा अच्छा लगता है, बनता है, आलू के साथ सब्जी और पकौड़ी बनता है, बैंगन में मसाला भर के भी ये बहुत अच्छा लगता है, यानी उसको कलौजी बोलते हैं बैंगन की। तो बैंगन में मसाला भर देते हैं तो उसमें उसको क्या बोलते हैं, कलौजी बोलते हैं। तो बैंगन की कलौजी भी क्या लगती है, बहुत अच्छी लगती है।
तभी उन्हें खीरे, लौकी व तोरई बेचता एक छोटा सा बच्चा नजर आया। इसके बाद ये माँ उसको बता ही रही थी अपनी जया को कि उनको खीरा, लौकी व तरोई बेचने वाला एक बच्चा नजर आ गया। माँ, ये सब तो बहुत पौष्टिक सब्जियां हैं, इन्हें तो जरूर खरीदना चाहिए। अब देखिए माँ से, माँ माँ कह रही है कि ये सब तो बहुत पौष्टिक सब्जियां हैं, इन्हें तो जरूर खरीदना चाहिए। तो जया कह रही है, हाँ माँ, खीरे के बगैर तो चाट का मजा ही नहीं आता। दादा दादी तो लौकी और तरोई भी शौक से खाते हैं, ये सब जरूर लो। अब क्या कह रही है जया कि हाँ माँ, खीरे के बगैर तो चाट का भी मजा नहीं आएगा और दादा दादी जो है लौकी और तोरई की सब्जी बहुत शौक से खाते हैं, ये सब भी जरूर लो। अब देखिए जया कह रही है, फिर जया कह रही है, माँ पालक भी ले लो, मैं पालक पनीर भी खाऊंगी। पालक खाने से हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होती है ना। अब देखिए फिर से जया बोलती है, पालक दिख जाता है जया को, तो कहती है कि माँ पालक भी ले लो, पालक पनीर मैं खाऊंगी। पालक खाने से हमारे शरीर में जो है आयरन की जो कमी होती है, खून की जो कमी होती है वो पूरी होती है, तो खून की कमी नहीं होगी, है ना। तो माँ कहती है, बिल्कुल ठीक कहा बेटी सब्जी वाले से। अब देखिए माँ उसकी तो अभी बेटी को अपने कहती है कि बिल्कुल ठीक कही हो, सही कही हो। अब सब्जी वाले से बोलती है, इन सबके साथ यह करेला भी दे दो। यानी वो पालक, लौकी, तोरई, खीरा, इसके अलावा वो कह रही हैं इन सब के साथ करेला भी दे दो। जया बेकार सा मुंह बनाकर, कड़वा करेला। अब जया क्या कहती है, अभी देखिए उसको हरी सब्जियां बहुत पसंद है, खाने का शौक है, लेकिन करेला के लिए देखिए वो क्या कहती है, बेकार सा अपना मुंह बना लेती है और कहती है कड़वा करेला। माँ, नहीं बेटे, माँ उसको समझाती हैं जया को कि नहीं बेटे, इसके भी अपने फायदे हैं, हमें सभी सब्जियाँ खानी चाहिए, तभी हम तंदुरुस्त बनेंगे और बीमारी हमसे दूर भागेगी। तब वो कह रही हैं माँ कि नहीं बेटे, इनके भी फायदे हैं, करेला खाने से भी फायदा है, क्योंकि हमें सब्जियाँ जो है वो सभी सब्जियों को हमें खाना चाहिए, तभी हमारा जो शरीर रहता है वो तंदुरुस्त रहता है, यानी हिष्ट पुष्ट स्वस्थ रहता है और हमें बीमारियां भी नहीं आती है। जया, माँ तुमने फल तो लिए ही नहीं। अब देखिए अभी तक तो क्या खरीदा जा रहा था, सब्जियां खरीदा जा रहा था। जब सब्जियां उनकी माँ खरीद लेती हैं तो उसके बाद जया आप देखिए बताती है कि माँ तुमने तो अभी फल लिया ही नहीं। तो माँ बोलती हैं अभी लेती हूँ। माँ ने रसीले आम, मौसमी, तरबूज व खरबूजे भी खरीद लिए। यानी अब माँ देखिए क्या क्या खरीदती हैं, रसीले आम, मौसमी संतरे को कहते हैं, तरबूज व खरबूजे भी खरीद लिए। इसके बाद जया कहती है, माँ यह चेरी और आलू बुखारा भी ले लो ना। अब बच्ची देखिए कहती है कि माँ यह जो चेरी है और आलू बुखारा है ये भी ले लो ना। माँ, अरे बाबा रे, यह थैला कितना भारी हो गया, चलो अब घर चले। तब उनकी माँ कहती है, अरे बाबा रे, कितना थैला या कितना भारी हो गया, यानी वजन हो गया, अब चलो घर चले। तब अपनी बच्ची से क्या कहती हैं कि बहुत कुछ हो गया, अब थैला भारी हो गया, चलो अब घर चलो। इस प्रकार जया अपनी मम्मी के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों के सपनों में खोई घर आ गई। अब क्या करती हैं जया और उनकी माँ, बाजार से अपने घर वापस आ जाती हैं। तो वो क्या करती है, स्वादिष्ट व्यंजन के सपने में रहती है, सपनों में खोई खोई कि अब तो मम्मी इतनी स्वादिष्ट स्वादिष्ट
भोजन बनाएंगी और मैं घर पे खाऊंगी, यही सोचते सोचते वो घर को पहुंच जाती है। तो आपने सब्जियों के बारे में पढ़ा और फल के बारे में पढ़ा कि जया और उनकी मम्मी ने कितनी सारी सब्जियां एक साथ खरीदी और फल भी खरीदे। और आपने पालक से जो आयरन खून की कमी हो रही थी या आयरन की कमी हो रही थी वो पालक से दूर होती है, जया ने बताया। और सब्जियां खाने से हमारा शरीर जो है तंदुरुस्त रहता है, हम बीमार नहीं होते हैं, बीमारियां हमसे दूर भागती है। इसके बाद बैंगन के भी उन्होंने बताया कि बैंगन का क्या क्या बनता है। और आलू और प्याज चाट में ना हो तो चाट का मजा ही नहीं आता। इसके बाद देखिए लेसन आपको समझ में आ गया होगा, दिया है कि हरी सब्जियां। तो हरी सब्जियां अभी जो जो उन्होंने खरीदा सारी सब हरी सब्जियां थी, जैसे लौकी, तोरई, खीरा, ये सब बैंगन, पालक हरी सब्जियां थी। अब देखिए आगे दिया है शब्द ज्ञान में, पौष्टिक में शक्ति देने वाला नजर आया यानी दिखाई दिया, तंदुरुस्त हृष्ट पुष्ट स्वस्थ व्यंजन भोजन। अब अभ्यास क्वेश्चन में है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। आलू से बनाई जा सकती है चाट, पकौड़ी, टिक्की, ये सभी। तो आलू की टिक्की भी होती है, आलू का चाट भी होता है, आलू के पकौड़ी भी होते हैं, तो क्या होगा, ये सभी होगा। ख है चाट में क्या मिलाया जाता है, प्याज, आलू, लौकी, दोनों। तो प्याज और आलू, अभी उनकी मम्मी क्या कही है कि आलू और प्याज ना हो तो चाट का मजा ही नहीं आता। तो आलू और प्याज दोनों, तो दो वाला ऑप्शन सही है। सब्जियों का राजा है आलू, लौकी, बैंगन, कद्दू। ऐसे तो सब्जियों का राजा आलू को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे सब्जियों का राजा क्या है, बैंगन है। बुक में बैंगन है, पौष्टिक सब्जी है लौकी, तोरई, खीरा, ये सभी। तो अभी आपने पौष्टिक सब्जी के बारे में पढ़ा, तो पौष्टिक सब्जी में कौन कौन आते हैं, लौकी, खीरा, तोरई, लेसन में तीनों दिया हुआ है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 10 सही है, ये सभी। हाँ अथवा नहीं लिखिए, जया को हरी सब्जियां अच्छी नहीं लगती है। अरे हरी सब्जियां तो जया का क्या था, बहुत अच्छा शौक था, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। जया फल खाना पसंद करती है, सही, क्योंकि वो फल सब्जियां दोनों पसंद करती थी। जया अपनी फ्रॉक लेने बाजार गई, गलत। माँ ने सबसे पहले करेले खरीदे, गलत। अच्छा याद दिलाया, कौन कहता है अच्छा याद दिलाया, माँ ने बेटी से। वाह माँ, आलू की चाट बनाओगी या पकौड़े, बेटी कहती है माँ से। यह थैला कितना भारी हो गया है, माँ कहती है बेटी से। बैगन से क्या क्या बनता है, बेटी माँ से। अब उसके बाद है देखिए प्रश्नों के उत्तर, जया कौन सी सब्जियां खाना पसंद करती है। तो जया कौन सी सब्जियां खाना पसंद करती है, अभी सब्जियों के नाम बताया ना। जया अपनी माँ के साथ कहाँ गई, जया अपनी माँ के साथ बाजार गई। आप कौन सी पौष्टिक सब्जियां खाना पसंद करते हैं, तो आपको कौन सी सब्जियां अच्छी लगती है, जो अच्छी लगती होगी उसे लिख लीजिएगा। हमें हरी सब्जियां क्यों खानी चाहिए, हमें अपने शरीर को तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाना है, हृष्ट पुष्ट बनाना है और बीमारियों को दूर रखना है, तो हमें क्या करना चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए। रचनात्मक कार्य में दिया है अपनी मनपसंद सब्जी का चित्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाइए और उसमें रंग भरिए। जो आपको सब्जी बहुत पसंद होती है, पसंद हो, जो खाने में आपको बहुत अच्छा लगे, उसको क्या करेंगे आप, अपनी कॉपी में बनाएंगे और उसमें कलर करेंगे। तो आपने ये हरी सब्जियों के बारे में आज पढ़ा और इसका जो एक्सरसाइज था ओरल तौर पर आपको बता दिया गया। अब अगले वीडियो में हम आपको इसका मीनिंग और जो अभ्यास क्वेश्चन है वो राइट कराएंगे। तब
तब तक के लिए बाय स्टूडेंट।